नमस्कार फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अब तक हमने देखा पार्ट वन में कि अर्जुन कैसे श्री कृष्णा को कहते हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरे परिजन मेरे सामने हैं, मैं कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ। कृष्णा अर्जुन के साथ हैं, फिर भी अर्जुन को अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ेगा। कृष्णा अर्जुन के लिए नहीं लड़ेंगे। हम लोग अक्सर अपने वरीज ट्रबल्स भगवान पर छोड़ देते हैं कि वही हमारे लिए टेक केयर करेंगे, और हम लोग कुछ एक्शन लेते ही नहीं है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, भगवान भरोसे छोड़ दो, पर ऐसे करने से कुछ होता नहीं है। हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि देर इज़ नो सेटिस्फैक्शन विदाउट एक्शन। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, गंदे होने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, आप बैठे रहिए गंदे हो जाएंगे। साफ होने के लिए क्या करना होता है? यू हैव टू टेक एक्शन, जाइए स्नान कीजिए। तो आप अपनी लड़ाई लड़ना खुद सीखिए, भगवान के भरोसे कुछ भी मत छोड़िए। फिर एक यू टर्न ऑफ श्लोका है जो कि बहुत ही पावरफुल है, करपन्या-दोसोपहाता-स्वभावः प्रश्यामि त्वं धर्म-सम्मुद्धसेतः यक् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे सियास्ते हम सिद्धिमं त्वं प्रपन्नम्। इसमें अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ अपनी ड्यूटीज को लेकर, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। इस कंडीशन में आप मुझे क्लियरली बताइए मेरे लिए बेस्ट क्या है। मैं अपने आप को आपके सम्मुख सरेंडर करता हूँ कंप्लीटली। प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मेरी डोरी अब आपके हाथ है। जैसे ही अर्जुन ये कहते हैं, तुरंत श्री कृष्णा माइक पकड़ लेते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। चैप्टर वन में श्री कृष्णा ने अब तक कुछ नहीं बोला था, वो बिना इंटरप्शन के अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे, जिससे उनके और अर्जुन के बीच में एक डीप कनेक्शन बन गया। जब हमारा किसी के साथ एक डीप कनेक्शन बन जाता है, तो हमारे लिए कन्विंसिंग और कन्वेइंग बहुत आसान हो जाता है। अधिकतर होता क्या है आजकल, वाइफ अगर हस्बैंड को कुछ कहना चाहती है और उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, हस्बैंड कुछ काम कर रहा है या वो लोग सेम प्लेटफॉर्म में सोचते नहीं है, वाइफ उसको 10 एग्जाम्पल्स देकर भी कन्विंस करती है हस्बैंड को, तो हस्बैंड कभी कन्विंस नहीं होता। अगर उनके बीच में अच्छी कन्विंसिंग है, एक अच्छा कनेक्शन है, और वाइफ अगर उनको एक ही बात बोलेगी, देखो मैं ऐसा करना चाहती हूं कि हमारे लिए ये यूजफुल है, तो डेफिनेटली हस्बैंड एक ही बात में कन्विंस हो जाता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, अगर कोई भी रिलेशन है तो पहले हमें उसके बीच में कनेक्शन अच्छा करना है, और कनेक्शन अच्छे होने के लिए हमें बिना इंटरप्शन हमें उसकी बात सोचनी बहुत जरूरी है। आपको सोल्यूशन पहले से आता होगा, वो आपके सामने बात बोल रहा है, क्या पता आपको क्वेश्चन भी पहले से पता हो, लेकिन फिर भी बिना इंटरप्शन के आप उसकी बात सुनिए, और जब बात पूरी हो जाए, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए, तब आप अपना एक्सप्लेनेशंस दीजिए, और आपको कन्विंसिंग बहुत इजी हो जाता है। कृष्णा इसमें दिखाया गया है, जब आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होती है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। कृष्णा एक इसमें बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, जो कि आचार करते हैं फिर प्रचार करते हैं, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, तभी लोग आप पर बिलीव करेंगे। अधिकतर होता क्या है, हम लोगों को प्रीचिंग्स तो दिए रहते हैं कि ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, योगा करो, हेल्दी खाओ, लेकिन हम उसको खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते। तो उससे होता क्या है, हम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर सामने वाले में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। तो अगर आप परिस्थितियां बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी मनोस्थितियों को बदलिए, तब आप आग सामने वाले को अच्छा प्रीच भी कर पाएंगे और लोग आपकी बातें सुनना भी शुरू करेंगे। दूसरा श्लोक भगवद गीता का जो है, मत्र स्पर्शस्तु कौटन्यः सितोष्णः सुख दुखः दः अगम पयोनो नित्यास्तम तितिक्षः भारतः। सर्दी गर्मी सुख दुख सब कुछ टेम्पररी है नेचर में। अगम पयो यानी टफ टाइम्स विल कम एंड गो, हे अर्जुन इनको टॉलरेट करना सीखो। तम स्थितिक्स्व भारतः, नथिंग इज परमानेंट, सिर्फ चेंज एक परमानेंट है। सो डिसाइड करो, तुम्हें वॉरियर बनना है या वॉरियर बनना है। टफ टाइम में मेंटल स्ट्रांग पर्सन बनो, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, रोना छोड़ दो और आगे बढ़ो। सिचुएशंस कोई व्यक्ति को हिला नहीं सकती अगर हम उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। फ्रेंड्स, वैसे तो भगवद गीता एक कंप्लीट एक मैनेजमेंट लेसन का है, लोग उसको फॉलो भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, उसमें बहुत कुछ है। ये मैंने एक छोटा सा आपके सामने अपना व्यू पॉइंट रखना चाहा, होप आपको अच्छा लगा हो। आगे भी इसी तरह के मैं वीडियोस बनाती रहे होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।